हेलो वीवर्स वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इनफो एंड टू टॉपिक इज लैंग्वेज डेथ एंड लैंग्वेज लॉस लैंग्वेज डेथ क्या होती है ऑल नेटिव ऑफ़ लैंग्वेज डाई द लैंग्वेज ऑटोमेटिकली डाइज दिस फिना इज नोन एज लैंग्वेज डेथ के एक अंडरस्टूड इसके अंदर जो फैक्टर है वो ये इन्वॉल्व है कि जब जबान बोलने वाले ही नहीं होंगे तो understood है कि ज़बान जो है वो ख़त्म हो गई तो वो डेथ लैंग्वेज जो है वो कहलाती है कि जिसको कोई भी बोलने वाला नहीं होता अब इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं वजूहत क्या होती हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो उसकी हम देखते हैं कि जब लोग बोलने वाले नहीं हैं तो अंडरस्टूडा लैंग्वेज जो है वो डाई कर जाती है तो uh, समाइम्स इसमें बहुत सारी चीज़ें वाज होती हैं कि इसका क्या सबाव होता है कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम देखते हैं कि नाइनटीन नाइनटी टू में जब टैफविसम uh, uh, मर गया डाइट सो डिड द लिंग्विस्टिकली कम्प्लेक्स कोकेशियन लैंग्वेज ओबिक के ओबिक लैंग्वेज जो है इसकी कोकेशियन uh, की Uh, कोकाफ की जो uh, एक पचीदा ज़बान है वो भी उसके साथ ख़त्म हो गई इसी तरह और एग्जाम्पल में देखें तो मैक्स जो है मैक्स ये भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है आइजल आई, ऑफ मैन जो है उसकी ज़बान थी नेटिव जो इसका स्पीकर था आखिरी दैट वाज नेड मेडरल 1974 में ये मरा तो इसके साथ ये ज़बान जो है मैंक्स जो है ये भी ख़त्म हो गई डेड लैंग्वेज बन गई तो so, uh, इसके डिस्पाइट रिसेंट अटैम्प टू रिवाइव इट मोस्ट पीपल एग्री डेट कॉर्निश इफेक्टिवली डिसर फ्राम क्रॉनवेल के जो कॉर्निश लैंग्वेज है क्रॉनवेल से वो भी ख़त्म हो गया हालांकि कोशिश की गई थी कि इसको रिवाइव किया जाए एटीन सेंचुरी में जब डोली पेंट्रीथ ऑफ माउस होल जो है वो सत्रह सौ सतर में मर गया तो इसके साथ कॉर्निश जो है वो भी ख़त्म हो गई सो ढाई सौ से तीन सौ के करीब जो मकामी बोलियाँ थीं जो कि ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती थीं वो यूरोपियन के वहाँ जाने से जो है वो ख़त्म हो गई वो सरवाइव नहीं कर पाई कुछ जो दो एक दर्जन के करीब लैंग्वेजेस बची थी वो तीन से चार नस्लों तक गई और उसके बाद वो लैंग्वेजेस भी ख़त्म हो गई वो भी डेड लैंग्वेजेस जो लैंग्वेज़स उनमें उनका शुमार हो गया और इसकी बड़ी वजह जो थी वो क्या था वो मिस कर आम दबरीजनल पीपल था जो मकामी लोग थे वहाँ के उन लोगों का कत्लेम था पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो ख़त्म कर दी गई और uh, क्यों हुआ देयर डेथ फ्रॉम डिजीज़ज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस जो यूरोपियंस थे उन्होंने जो बीमारियां वहां पर फैलाई थी ये भी उसका एक बड़ा सबब बना था इसी तरह तस्मानिया जो है उसमें देखा जाए तो जितनी भी वहां पर उनकी मकामी जो आबादी थी तीन हज़ार से चार हज़ार के करीब लोग वो भी तकरीबन सेवेंटी फाइव ईयर्स जो है उसमें वो ख़त्म हो गए और उनके साथ उनकी लैंगवेज़ भी जो है वो ख़त्म हो गई जाहिर है वो नहीं है तो लैंग्वेज़स कौन बोलेगा तो ये कुछ एग्ज़ैम्पल्स हैं जो हमें नज़र आती हैं लैंग्वेज डेथ के बारे में तो लैंग्वेज डेथ लैंग्वेज शिफ्ट से इस तरह मुख्तलफ होती है कि लैंग्वेज बोलने वाला ही नहीं रहता लैंग्वेज शिफ्ट एक और फिनिना है और लैंग्वेज डेथ जो है वो मुकम्मल तौर पर एक और फिनोमिना है ये लैंग्वेजेस जो हैं उनके स्पीकर्स ही नहीं होते वो डेथ लैंग्वेजेस होती हैं डेड लैंग्वेजेस लैंग्वेज लॉस क्या होता है लैंग्वेज लॉस लैंग्वेज डेथ के बरक्स जो है वो इस सेंस में है कि इसमें जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो तो होते हैं लेकिन वो अपनी लैंग्वेज से शिफ्ट कर देते हैं और यूँ उनकी अपनी लैंग्वेज जो है वो लॉस कर जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी कम्यूनिटी जैसे कि टर्किश कम्यूनिटी है ये ब्रिटेन में रहती है ये शिफ्ट कर देती है इंग्लिश लैंग्वेज पर ख़ुद जानते बूझते हुए समझते हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी लैंग्वेज जो है जब वो बोलते थे वो डेड हो गई नहीं इसमें ये है कि वो अपनी लैंग्वेज को छोड़ चुके हैं वो नहीं बोलते उन्होंने मुकम्मल शिफ्ट कर लिया है तो इस तरह उनकी अपनी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज लॉस में चली जाएगी कि वो उन्होंने वक्ती तौर पर वो लैंग्वेज को हाँ जब वो वापस आना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज बोलना शुरू करेंगे तो वो अपनी लैंग्वेज को रिवाइव भी कर सकते हैं इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो हमें मिल जाती हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो इस तरह करते हैं और कम्यूनिटीज़ भी इस तरह करती हैं अब होता क्या है कि जो फंक्शनस हैं उसके हिसाब से जैसे हमने पहले बात की है कि फ़न्क्शंस जो हैं वो बहुत अहम होते हैं कि मुख्तलिफ जो ड हैं उन डोमेन्स में आपको मुख्तलिफ़ लेंग्वेज़ जो हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं तो इससे क्या होता है कि जब आप एक ऐसी कम्युनिटी में या ऐसे कंट्री में चले जाएंगे जहां पर आपकी अपनी मादरी ज़बान बोलने वाले कम हैं या ऐसी डोमेन्स एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसमें आप अप अपनी लैंग्वेज बोलेंगे आपको हर डोमेन्स में हर डोमेन में वो लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी जो कि उस मुल्क की लैंग्वेज है तो इस तरह आपकी लैंग्वेज जो है वो सुखड़ती चली जाएगी वो कम होती चली जाएगी और आप अपनी लैंग्वेज को ग्रेजुअली क्या करेंगे छोड़ते चले जाएंगे अब जैसे जैसे मेजोरिटी ग्रुप्स की जो लैंग्वेज है वो फैलती चली जाती है मुख्तलफ़ डोमेन्स में आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है इंडिविजुअली भी या पूरी कम्यूनिटी जो है उसके हिसाब से भी तो फिर अंडरस्टूड है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप अपनी लैंग्वेज को शिफ्ट कर जाए और आप अपनी लैंग्वेज छोड़ दें लैंग्वेज लॉस जो है उसका फोना वहाँ पर जो है वो अक्कर हो जाएगा अब बाज़ ऐसे होते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज को सिर्फ कुछ खास सरमनीज़ तक महदूद रखते हैं इसके अलावा वो किसी दूसरे मुल्क की जहाँ पर वो जाते हैं उसकी लैंग्वेज को ही इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पर कुछ जो रिचुअल सरमनीज़ हैं मुख्तलिफ़ ओकेजनस होते हैं जैसे मजहबी त्यौहार है या तहजीबी त्यौहार होते हैं तो उसके लिए फिर वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जो उनकी अपनी लैंगवेज है।, है वो होती है ज़ाहिर है वो शिफ्टेड, शिफ्ट जिस लैंग्वेज पे करते हैं उसको तो वो इस्तेमाल नहीं करेंगे जैसे मौरी कम्यूनिटी है न्यूजीलैंड में तो वो अपनी लैंग्वेज को छोड़ चुके हैं लेकिन जब भी कुछ रिचुल सरमनीज़ करनी होती हैं या कल्चरल सरमनीस करनी है तो वो अपनी मोहरी लैंग्वेज जो है उसको ही इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए भी वो किसी उस शख्स को ढूंढते हैं जो उस लैंग्वेज को बोल सकता है इस्तेमाल कर सकता है ताकि वो अपनी सरमनी जो है या एक्टिविटी जो है उसको परफॉर्म कर सके। डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब लिंग्विस्टिक्स इनफो बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियो के बारे में मालूम मिलती रहे